हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बबली बाउंसर। बबली बाउंसर फिल्म के रिगार्डिंग मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, साथ ही में फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बख्शी, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहताम ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है,
अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और
20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी।
फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा सौरभ शुक्ला सब्यसाजी चक्रवर्ती करण सिंह झाबड़ा ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबलीज
बाउंसर बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देव देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग हिंदी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहताम ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देव देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग हिंदी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे।
तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सभ्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण
मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बख्शी, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बख्शी, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है।
तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानु मामून, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजन चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक किसने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज़ की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानु मामून, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजन चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक
आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना और यह
तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के
डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी
बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहताम ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला,
सब्यसाजिन चक्रवर्ती, करण सिंह, जाबड़ा ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी को म्यूजिक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजिन चक्रवर्ती, करण सिंह, जाबड़ा ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी।
तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में
दिल्ली जाती चली जाती हैं। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया।
फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा सौरभ शुक्ला सब्यसाजी चक्रवर्ती करण सिंह झाबड़ा ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित
एक अपकमिंग हिंदी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना और यह तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानो मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग हिंदी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना और यह तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानो मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने
अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो असोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये
कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहताम ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून अल सियाम
साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में हैं, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह जाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में हैं, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह जाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम
22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में,
तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने
टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में, तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा सौरभ शुक्ला सब्यसाजी चक्रवर्ती करण सिंह झाबड़ा ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में, तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा
निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग हिंदी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना और यह तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सभ्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग हिंदी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना और यह तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सभ्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में।
तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल
तनिष्क बख्शी, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज़ की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो
तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सभ्यसाजिन चक्रवर्ती, करण सिंह जाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, बश शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल मानू मामून, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सभ्यसाजिन चक्रवर्ती, करण सिंह जाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ।
उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, मामून अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह
23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में। तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित और अमित जोशी, आराधना देवनाथ और मधुर भंडारकर द्वारा लिखित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में तमन्ना है और यह 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमिस के बारे में। तो बबली नाम की एक छोटी शहर की लड़की की कहानी है जो ओसोला फतेहपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दिल्ली चली जाती है। इसे एक बाउंसर के रूप में बड़ा बनाती है। तो बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। तो तमन्ना बबली के रूप में है, अभिनेता बजाज है, अभिषेक बजाज है, रोहन के रूप में है, अल सियाम, साहिल वेद सिद्धार्थ के रूप में है, सानंद वर्मा, सौरभ शुक्ला, सब्यसाजी चक्रवर्ती, करण सिंह झाबड़ा, ये सभी लोग इस मूवी में भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में। तो फरवरी 2022 में तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। उसी महीने अभिषेक बजाज को कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई थी। तो बात करते हैं अब मूवी के डेवलपमेंट के बारे में। तो
फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 को में की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने टीम के लिए महत्वपूर्ण पूजा की व्यवस्था की थी। तो बात करते हैं मूवी की फिल्मिंग के बारे में कि मेकर्स ने इसे कैसे शूट किया। तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 में मध्य में शुरू हुई। पहला शेड्यूल मोहाली पंजाब में एक आउटडोर शूट के साथ हुआ। उसके बाद नई दिल्ली में और 20 दिनों के भीतर पूरा किया गया था। अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल 2022 में मुंबई में हुआ था। यह फिल्म 5 मई 2022 को मुंबई में पूरी हुई थी। तो बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में कि इस मूवी को म्यूज़िक कितने दिया है। गाने तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा द्वारा रचित हैं। गाने के बोल तनिष्क बागची शब्बीर अहमद और मनस्वी मोहता ने लिखे हैं। तो बात करते हैं मूवी के रिलीज की डेट के बारे में, तो ये कि मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और हमें कब दिखाई देंगे। तो ये मूवी बबली बाउंसर 23 सितंबर 2022 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।